मेरी वाइफ भी पहाड़ी है ना। मेरी जा अच्छा धारचूला से है मेरी वाइफ। अच्छा मैं पंजाब से अमृतसर। तो देखिए बाप रे पंजाब से भी आ रखे दगड़ियो। तो भाई साहब क्या तो भाई साहब बड़े मुश्किल से मिल गई गाड़ी, अब चलते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ना दगड़ियो, आज मैं जा रहा हूँ होकरा, जो कि माता भगवती का एक पवित्र स्थल माना जाता है, पवित्र गांव माना जाता है, और वहां पर है चैत का अष्टमी। अभी मैं पहुंचा हूँ रामंगा पुल में। हमारे बुबू जी जा रहे हैं होकरा, तो आ नहीं रहे हैं बल्कि भराड़ी जा रहे हैं, जो कि मुंशारी में स्थित है। ये देखो मोटा भी लेके आए हैं, जो कि हमारे हाथ के कलाओं के द्वारा, हस्तकलाओं के द्वारा बनता है। तो मुंशारी ले जा रहे हो? अच्छा, और हमारे दादा भी देखो आए हैं, दादा भी आ गए हमारे। दादाजी कैसा लग रहा है फिर आपको, टावर पकड़ा है? थकान हो रही टावर। तो दादा को 2 दिन हो गए हैं छुट्टी आए हुए, हमारे बड़े पापा जी लोगों को, तो काफ़ी दूर का सफ़र करना है अभी, ताई मुंशारी जाना है। आ गई है धूप यहाँ पर। तो किसके लिए ले जा रहे हैं आप? ये मेरे दादा ले है। अपने बड़े भैया के लिए। बड़े पापा पी रहे पानी हमारे। तो यहाँ पर है थोड़ा बहुत पानी का स्रोत, और मेरे जो फौजी दादा हैं भर रहे हैं पानी थोड़ा बहुत बोतल में, क्योंकि काफ़ी दूर से आए ना हम लोग, तब जाके बहुत पानी जाच लग गया है। ये वाली गाड़ी हमारी है गोविंदी दादा की। दादा नमस्ते। तो दोस्तों ये है हीरामणि ग्लेशियर, और जस्ट बगल में है नामी ग्लेशियर। और ये मेरे पापा जी, और खा रहे हैं समोसा। 10 समोसा खा लिया पापा ने ना। 11 समोसे आपने ना। तुम कहाँ है बहना? हम लोग छती में आ रहे हैं, और हम दोनों ना छत में आ रहे हैं यार, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ है ना, बहुत भीड़। तो हमारे दादा ने ना मन्नत मांगी थी, वो आपको मैं अभी कुछ समय के बाद बताऊंगा। अभी हम लोग पहुंचे घुगती घोल के वहां पर, और यहां पर जो रास्ता है ना काफी डरावना है, और खाई तो खतरनाक है। और ना मैं और मेरे दादाजी दोनों हम लोग बैठे छत में, क्योंकि नीचे पर जो है सभी बुजुर्ग लोग, हमसे बड़े लोग बैठे हैं। तो हमको उतरना पड़ेगा भाई जी यहाँ से। आओ दादा। तो उतर गए, हाँ चलो भी चलते हैं। तो दगड़ियो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सामा मार्केट में, और आज ना हम लोगों को जाना है रामाड़ी साइड से। और टाइम तो हमेशा ना मैं इस साइड से जो है बागेश्वर की तरफ जाता हूँ ब्लॉग अपलोड करने के लिए, लेकिन आज हम लोगों को जाना है ना पूजा में, सो हम लोग जाएंगे इस साइड से। और ना हमारे दादा लोग मुंशारी भराड़ी मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मन्नत रखी थी ना, तो मैं इनसे पूछता हूँ दादा मन्नत रखा था? रखी थी मंदिर। अच्छा पहले रखा होगा ना, माँ की कृपा से पूर्ण हो गई। अच्छा पूजा के लिए ला रहे हैं। हाँ तो देखिए आज हमारे दादा को समय मिला है ना, तब जाके मंदिर में जा रहे हम लोग। पियो पियो। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? डीजल नहीं बोला मैंने, डीपर कहा कसम से। तो यहाँ पर ना रमाड़ी के बैंड के नीचे पहुंचे हैं, और अब ना टायर हो गया है पंचर, तो अब हम लोग उतरते हैं। और टायर पंचर हो गया दोस्तों, तो टायर सही करते हैं। ये देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर टायर बैठ गया होगा ना, ये पंचर हो गया है। तो यार देखो दोस्तों यहाँ पर गई है, कील फंस गया पूरा, बाप रे, तब जाके पंचर हो गया ये। अब मुंशारी बनाओगे? बोर्ड भी लगा रखा है ना कि आगे मार्ग में मलवा गिरने की संभावना है, सावधानी पूर्वक देखकर चलें, क्योंकि जो एरिया है ना काफ़ी भूस्खलन वाला एरिया, एकदम लैंड स्लाइड वाला एरिया है ये। ये देखो तभी चारों तरफ ना ये ऊपर साइड पूरी जालियाँ लगा रखी हैं, कुछ इस प्रकार से जाली लगा रखी, देखो पूरा। तो ये देखो सही हो गया है टायर, ये देखो सभी लोग बैठ रहे हैं।
तो हमारे बड़े पापा लोग ना जा रहे हैं मुंशारी भराड़ी पूजा में, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से होगरा। हाँ भाई, तो हमारे दादा लोग चले गए हैं मुंशारी की तरफ, इनका सफर काफी दूर है। और दगड़ियों, अब मैं हो गया हूँ अकेला, और यहाँ से मुझे जाना है होगरा की साइड। मुझे जाना है भी काफी दूर, तो मतलब यहाँ से भाई साहब 1-2 घंटे का रास्ता है पैदल। सुनसान है सड़क, और अकेला हूँ, और इस जगह से मैं अनजान भी हूँ ना। तो अभी मैंने गूगल में देखा मैप में, तो कम से कम 2.5 घंटे का पैदल रास्ता है, और गाड़ियाँ भी नहीं आ रही है, परेशान हो गया हूँ मैं। एक गाड़ी तो आ गई है, ये भी मतलब होकरा की लग रही है, तो एक बार इनको पूछ लेते हैं बढ़िया करके। वह जा रहे हो क्या होकरा? वह दो यार, तो ये भी होकरा की गाड़ी है, बढ़िया करके देखो सामान ले जा रहे हैं। तो भाई साहब बड़े मुश्किल से मिल गई गाड़ी, अब चलते हैं छत में, क्योंकि ये भी जो है होकरा के भैया की है ना, तो धन्यवाद, जय माँ होकरा देवी। ऊबड़ खाबड़ हो रहा है, डर लग रही है, कैसे पकड़ूं? तो भाई साहब चलते हैं अब, और देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों का। और गाड़ी भी मिल गई थी किस्मत से, थोड़ा बहुत जो है 20-25 मिनट चलने के बाद। मेरी तरह ना यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी हैं, लेकिन गाड़ी में तो जगह नहीं है, ये देखो जगह ही नहीं है यहाँ। आप भी होकर आ रहे हो? अच्छा, वहीं तक। तो आगे देखो इतना मस्त नज़ारा है, एकदम देखो कितने बड़े बड़े चट्टाने हैं, और उनके बीच से गया है रोड। और अभी तो होकरा काफ़ी दूर है, पहाड़ों में ना रोड ख़राब होती है ना बहुत ज़्यादा, और आजकल तो बारिश का सीज़न भी है, सो बुलडोजर JCB भी आ रही है यहाँ पर सफाई करने के लिए। ठीक आगे देखो हमारी जो ताई जी है वो हो गई है बहुत ज़्यादा परेशान, उनके जो पशुओं ने उनको ज़्यादा बहुत परेशान कर दिया। देखो उजाड़ खा दिखा है भाई साहब, क्या प्यारी समझ गई। तो यार दोस्तों जितनी खूबसूरत प्रकृति है ना अभी यहाँ पर, उतनी ज्यादा मतलब ना खतरनाक रास्ते हैं, एकदम खतरनाक चट्टानों में। और वहां पर ये देखो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, और इतने खतरनाक ऊबड़ खाबड़ रास्तों में गाड़ी जो ड्राइवर जी होते हैं इतने मतलब अपने साहस से चलाते होंगे ना, तो उनको तो सैल्यूट है यार ना। तो पहुंच गए, ये है होकरा माँ भगवती का पवित्र स्थल, और यहाँ जो घने जंगल है ना इसके बीच में स्थित है माँ भगवती का मंदिर। ये है होकरा गांव, एकदम बढ़िया है यार, गेहूँ और जौ की खेती करी गई है। तो यार दगड़ियों ना हम लोग सुबह ही मतलब आ गए थे गांव से, और मैं सोच रहा था कि पैदल रास्ते आऊंगा गर्ल साइड से, लेकिन यार अकेले था, और मेरे पापा जी लोग ना गए हैं भराड़ी जो कि मुंशारी स्थित है, और भराड़ी मंदिर है ना वहाँ पर, मेरे जो ITBP वाले दादा हैं उनका मन्नत था पहले, तो पूरी हो गई है। साथ में मेरे दोनों भाई लोग मिल गए हैं, जो एक जय मेहता हमारे जो कि होकरा गांव से मतलब बिलोंग करते हैं, और इनका चैनल है टेम्पल ट्रेवल्स ना, UK 05। और हमारे जो भैया हैं अटक झटक पहाड़ से, नाम कितना मस्त लग रहा है, और बिरथी से बिलोंग करते हैं, आपको पता ही होगा होकरा वाला मतलब वीडियो ना इनके उसमें भी देख सकते हैं आप लोग, दोनों भैया को इसमें ना मतलब मस्त बनाते हैं, तो इनके चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिएगा। बाप रे पंजाब से भी आ रखे दगड़ियों, मतलब इतने दूर गाँव होकरा मंदिर में, तो कब तक रहेंगे आप यहाँ पे? बस यहाँ पे अभी 1-2 दिन है, यहाँ की मान्यता बहुत सुनी थी इसलिए हम लोग आए यहाँ पे, बस बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया। और पंजाब में भी ऐसे मतलब खेत वेत होते होंगे? हाँ खेत वेत ऐसे मतलब है, अपना गांव जैसा लग रहा है। बस यहाँ पे शुद्ध हवा शुद्ध वायु है, लेकिन वो पंजाब के अंदर खैर अभी नहीं है। तो देखिये दगड़िया हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से है, तो देवी देवताओं को हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, चाहे बात करी जाए अगर गढ़वाल मंडल की या कुमाऊं मंडल की ना। वाइफ भी पहाड़ी है ना? अरे मेरी जा, अच्छा धारचूला से मेरी वाइफ। अच्छा धारचूला मतलब? धारचूला से मेरी, मेरे घर में सभी मेरी चाची भी पहाड़ी है और वाइफ भी मेरी। तो पाजी ना मतलब धारचूला वाले जो आंटी जी होंगे, और उनसे मतलब प्यार हार का सीन था? अरे नहीं नहीं नहीं, अरेंज मैरिज। सॉरी सॉरी। यहाँ पर घना जंगल है ना, तो इस घने जंगल के बीच में माता भगवती का मंदिर है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है ना, और मतलब नेक्स्ट ब्लॉग तो इतना खतरनाक इतना मज़ेदार होने वाला है ना, आप लोगों को मतलब बता भी नहीं सकता हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।